अस्सलाम वालेकुम। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, दो कोवलेंट बॉन्ड के टाइप को डिस्कस कर चुके हैं। एक था आयनिक बॉन्ड और सेकंड था हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। आज जो टाइप है ये हमारे पास है जी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो अगर सबसे पहले डेफिनेशन देख लें, देखो वर्ड पर गौर करो, कोऑर्डिनेट वर्ड कोऑर्डिनेशन से निकला है, कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन का लफ्जी मतलब होता है तल्लुक को। और कोवलेंट बॉन्ड आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया, ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बने उसको हम नाम दे रहे होते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन की तो शेयरिंग होगी, लेकिन यहाँ पे शेयरिंग का तरीका का थोड़ा चेंज होगा। मसलन प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या कहा, इधर मेरी बात सुनो पहले, प्रीवियस बात हमने ये कही थी कि ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड में ये एक एटम है या दूसरा एटम है, इनके आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन देता है, और दोनों इलेक्ट्रॉन दरमियान में, और ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया। लेकिन इसमें काम थोड़ा सा चेंज है, इसमें क्या होता है कि एक एटम है इसके आखिरी शेल में थे दो इलेक्ट्रॉन, कितने दो, एक एटम है इसके आखिरी शेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सही। अब देखो ये वाली चीज़ तो क्या है हमारे पास, स्टेबल, और ये क्या है हमारे पास अनस्टेबल। अब होता क्या है कि देखो ये वाला एटम उस एटम को अपने साथ मिला लेता है, देखो क्या होगा, ये इसको जैसे आपने साथ मिलाएगा ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो हो गई है। देखो अब इसको कोई नुकसान नहीं हुआ, इसका भी आप डुप्लीकेट मुकम्मल है, और इसका फ़ायदा हो गया, ये भी क्या होगा हमारे पास स्टेबल हो गया। अब ऐसा बॉन्ड या ऐसे केमिकल बॉन्ड की टाइप जिसमें बॉन्ड पेयर सिर्फ एक एटम दे उसको हम नाम दे रहे थे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। देखो दोनों में शेयरिंग तो हुई है, शेयरिंग इसमें भी हुई है, शेयरिंग इसमें भी हुई है। इसमें क्या हुआ था कि इसमें एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, दोनों इलेक्ट्रॉन दरमियान में आते हैं, ऐसा बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। जबकि नीचे वाले केस में क्या हुआ कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम दे रहा है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही एटम दे रहा है, इस तरह के कोवलेंट बॉन्ड को हम नाम देंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि एक एटम तो स्टेबल होता है लेकिन दूसरा एटम स्टेबल नहीं होता, वो उसको अपने साथ मिला लेता है, जिससे क्या होता है एक एटम को कोई नुकसान नहीं होता लेकिन दूसरे एटम को फ़ायदा हो जाता है, सही। और तल्लुकदार में यही काम होता है, जब तल्लुक होता है ना वहाँ पर बेशक अगर आपको नुकसान नहीं हो रहा अगले वाले का फ़ायदा हो रहा ना, अब वहाँ पर चले कहते हैं मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा अगले वाले को थोड़ा बहुत मेरी वजह से फ़ायदा हो रहा है तो होने दो, कोई मसला नहीं है, सही है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड कैसे किस्म इन विच जिसमें शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का ऐसा जोड़ा जो दो एटम के दरमियान में शेयर हो, इज डोनेटेड बाय, ये देता है, डोनेटेड बाय ओनली वन एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और इसको एक और भी नाम देते हैं और, या फिर डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। ये दो नाम है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कह लो या फिर डेटिव कोवलेंट बॉन्ड कह लो, आपकी अपनी मर्जी है, सही। तो ये थी जी हमारे पास डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन का मतलब समझिएगा, मैंने कहा जी इसमें क्या शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा शेयर हो रहा था दो एटम के दरमियान में, इसकी बात है। देखो ये पेयर है, ये दो इलेक्ट्रॉन के दरमियान में शेयर हो रहा है, इसलिए कहते हैं शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को क्या नाम दे रहे हैं, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के ऐसे टाइप या केमिकल बॉन्ड के ऐसे टाइप जिसमें शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक एटम दे रहा होता है, सिर्फ एक एटम दे, उसको क्या नाम देंगे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा हमने ना कोवलेंट बॉन्ड को कहा, कोवलेंट बॉन्ड किस तरह रिप्रेजेंट करते थे अगर याद हो, एक लाइन लगा के, इसको पता है किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एरो लगा के। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आएगी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, क्या आएगा, रिप्रेजेंटेशन। इस बॉन्ड को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे थे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज
रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। एरो के जरिए से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, एरो हम इस तरह का लगा के, यह आगे से इसकी रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आएगी, इसमें दो आइटम होते हैं हमारे पास, एक डोनर, क्या होता है देखो, डोनर का मतलब था देने वाला, डोनर का मतलब क्या है देने वाला, इसके ऑपोजिट साइड पे एक वर्ड है एक्सेप्टर, लेने वाला, सही है। अब यहाँ पे गौर करो, इधर देखो, ये चेक करो, यहाँ पे ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, ये वाला एटम इसको दे रहा है, तो मतलब ये क्या हुआ डोनर, और ये क्या कर रहा है ले रहा है, तो ये क्या हुआ एक्सेप्टर। सही, ये दो बातें हम लिखेंगे, डोनर क्या जी ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे, डोनर है ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले, एक्सेप्टर है द स्पीशी, द स्पीशी विच डोनेट, डोनेट का मतलब है देना, डोनेट का मतलब क्या होता है देना, और डोनर का मतलब क्या होगा देने वाला, से डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर इज इन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, लिखना है लिख लो, नहीं तो इन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड, नहीं तो डायरेक्ट लिखो इज कॉल्ड डोनर। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमने क्या यूज करनी है यहाँ पे, एक्सेप्टर, ए डबल सी ई पी टी ई आर, एक्सेप्टर मतलब होता है लेने वाला, वसूल करने वाला, एक्सेप्ट से निकला है, कहाँ से निकला ये वर्ड एक्सेप्ट, आपने पढ़ा होगा एक्सेप्ट लेना, वसूल करना, कबूल करना। तो हमारे पास क्या होता है द स्पीशी विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसी शायद जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ले, द स्पीशी विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसी शायद जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ले, इसको हम नाम देंगे इस कार्ड एक्सेप्टर, इसका क्या नाम देंगे, इसको एक्सेप्टर का नाम दे रहे होते हैं, पूरा। अब ना यहाँ पर गौर कीजिएगा, मैं आप यहाँ पर जो एग्जांपल लेने वाला हूँ ना, ये आपकी बुक के अंदर दी गई है, पहले इसको समझ लो, बाद में सारी की सारी चीज़ें एक दफ़ा लिख लेंगे। यहाँ पर गौर करना, मेरे पास ना अमोनिया का मॉलिक्यूल है, अमोनिया वही केमिकल है जो लिक्विड टाइप को बोतल में लेके आया था, सही है, वही केमिकल है, सही, हाँ, इसकी बड़ी गंदी सी स्मेल होती है। तो हमारे पास अमोनिया का स्ट्रक्चर देखी जाए, इसमें नाइट्रोजन होता है दरमियान में, और ये वाला काम होता है इसमें, इसके आखिरी शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाला है हमारे पास नाइट्रोजन एटम, ये क्या हमारे पास नाइट्रोजन एटम, सही है। अब यहाँ पे अपना आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए क्या करता है, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, और एक बॉन्ड यहाँ पे। अब देखो हाइड्रोजन का डुप्लेट मुकम्मल हो गया और नाइट्रोजन का ऑक्टेट मुकम्मल हो गया। अच्छा मुझे कोई बच्चा ये बताएगा इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं या लोन पेयर कहते हैं, इसको लोन पेयर कहते हैं, क्यों लोन पेयर कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम के पास, एक ही एलिमेंट के पास होता है, इसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, लोन पेयर, अकेला जोड़ा जो सिर्फ एक एटम के पास हो, इसको हम नाम देंगे लोन पेयर का, सही है। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, अब इसके पास एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, यहाँ पे एक और एटम पड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन एटम, ये कौन सा एटम है हाइड्रोजन एटम। अब ये क्या कहता है, इसको सिर्फ हमदर्दाना तौर पे अपने साथ आल आके जोड़ लेता है, और यहाँ पे हमारे पास दरमियान में बन जाता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, सही। दो एग्जांपल दी गई, पहली एग्जांपल ये वाली है, अगली एग्जांपल भी देख लेते हैं वो कौन सी है। तो एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल हेडिंग आ जाएगी, एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहली एग्जांपल क्या आएगी हमारे पास, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, सबसे पहले हम बात लिखेंगे इन अमोनिया मॉलिक्यूल द नाइट्रोजन एटम इज अटैच टू 3 हाइड्रोजन एटम एंड अ लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम, यही बात हमने लिखनी है। इन NH3 मॉलिक्यूल क्या जी, इन NH3 मॉलिक्यूल 1 लोन पेयर, लोन पेयर, एक लोन पेयर मौजूद होता है, इज प्रेजेंट, इज
प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम। अच्छा यहाँ पे स्ट्रक्चर चेक कीजिएगा, इसकी साख्त कैसे बनी है ये हम बनाने लगे हैं। अब देखो नाइट्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, चलो यहाँ बना लेते हैं। नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। पहले यहाँ पर गौर कर लो, बच्चों को मैक्सिमम बच्चों को इसकी समझ नहीं आती ये बनानी कैसे है, वो कहते हैं ये सबसे मुश्किल डायग्राम है, सही है। तो अब 5 इलेक्ट्रॉन के लिए मैं क्या करूँगा, इसके इर्द गिर्द ना 5 इस तरह लगा दूंगा डॉट, ये एक डॉट एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। लगा दिए, ए दो मैंने इस साइड पर लगाए, एक ऊपर लगाए, एक इस साइड पर और एक नीचे लगा दिया, सही है। अब इसके बाद बाकी क्या करना है आपने, आपने 3 हाइड्रोजन जोड़े, 1 2 3, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ देना, एक हाइड्रोजन इसका यहाँ पर जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। इसके बाद ये वाला लोन पेयर खाली पड़ा हुआ है, इसके साथ मौजूद है हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन। हाइड्रोजन का नॉर्मल होता है शेल में एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर वो एक इलेक्ट्रॉन भी निकाल दे तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, सो ये वाली चीज़। हाइड्रोजन का आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, उसने वो भी निकाल दिया, सही, H प्लस आयन है। अब ये क्या करेगा, ये वाला लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, दे देगा, और इसको अपने साथ ला के जोड़ लेगा, और इसके नतीजे में कुछ स्ट्रक्चर इस तरह की बन जाएगी एन के साथ। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से आपको ये दोनों चीज़ें बनानी आ जाएंगी, ये इसको डोनेट कर देगा, सही है। और ये हमारे पास बन गया कोऑर्डिनेट, इसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पर गौर करो, यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ हुआ ये है कि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, सो NH3 इज अ डोनर और H+ ion इज अ एक्सेप्टर। और यहाँ पर चेक करो, मैंने दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लगाया, एरो। एरो की डायरेक्शन हम हमेशा डोनर से एक्सेप्टर की तरफ रखते हैं, क्या करते हैं जी, एरो की डायरेक्शन कहाँ पर रखेंगे, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ। पर ये बात आपने याद रखनी है, कर लो याद इतनी बात, इसमें कोई मुश्किल बात हो, कोई मसला, चलो तो यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे, इन NH3 मॉलिक्यूल वन लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम। अब नाइट्रोजन एटम कहता क्या है, दिस लोन पेयर इज डोनेटेड टू H+ ion एंड अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोजन आयन एंड NH4+ ion इज फॉर्म्ड। चलो इज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन एटम द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय नाइट्रोजन एटम टू, जो नाइट्रोजन एटम है ये लोन पेयर डोनेट कर देता है टू हाइड्रोजन आयन H+ ion एंड अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, अकोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन अमोनिया एंड H+ ion, सही है। हमारे इन दोनों के दरमियान अमोनिया और H+ ion के दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, ये पहली एग्जांपल है, सही है। तो इसके बाद ना दूसरी एग्जांपल है, वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं यहाँ पे। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर टू, यहाँ पर गौर कीजिएगा, अगर आप यहाँ पे देख रहे तो ना थोड़ा सा पहले समझ लो, बाद में लिखते रहना। देखो ये वाली स्ट्रक्चर बना लोगे, इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है, चलो मैं ये वाली बना रहा हूँ और थोड़े से जल्दी से बना दूंगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, सही है। हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन गई, क्लियर है। अब इसके पास क्या पड़ा हुआ है, लोन पेयर पड़ा हुआ है, सही है। अब इस तरह मैंने BF3 बोरॉन के आखिरी शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, मैंने क्या कर दिया, एक ऊपर डॉट लगा दिया, एक इस साइड पर, एक नीचे लगा दिया, सही है। बोरॉन के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, और फ्लोरीन इसके साथ BF3 की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, फ्लोरीन के आखिरी शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 7 इसके इर्द गिर्द इस तरह क्रॉस लगाने, दो इस साइड पे, दो ऊपर और एक नीचे। अब इस साइड पे डालोगे तो एक क्रॉस यहाँ पे आ जाएगा, बाकी आपको पता है कहाँ पे आएंगे, एक क्रॉस यहाँ पे, बाकी आपको पता है लेफ्ट राइट ऊपर और नीचे मुकम्मल करना है। अब देखो बोरॉन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, दो ये वाले इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, आपने ये निशान लगाना, दो ये बन रहे हैं और दो ये बन रहे हैं, मतलब बोरॉन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। इसलिए BF3 जो है ना ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है,
जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो। इलेक्ट्रॉन की कमी से क्या मुराद है? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए शेल मुकम्मल करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये क्या करता है, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है और यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ज़रा गौर कीजिएगा, ये नाइट्रोजन यहाँ पे और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। जब ये डोनेट करेगा तो ये BF3 कुछ इस तरह बन जाएगा। यहाँ पे फ्लोरीन। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये वाले डायग्राम बड़ी आसानी से बनानी आ जाएंगी, और ये डायग्राम आपको 10th क्लास में मिलेंगी, फर्स्ट ईयर में मिलेंगी दोबारा। फिर ये वो डायग्राम्स हैं से, और ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया। बातें यही लिखनी है कि इन NH3 मॉलिक्यूल वन लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन ए नाइट्रोजन एटम, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड टू BF3 मॉलिक्यूल। सही है। चलो मैं आपको थोड़ा सा ना पहले एक बना देता हूँ स्टार्टिंग से कि BF3 की पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर लें। बाद ऑफ इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, वाई BF3 इज़ अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। सही है। तो हमारे पास क्या होता है जी, थोड़ी सी बातें लिखेंगे। इन BF3 मॉलिक्यूल बोरोन एटम हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स। बोरोन एटम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। सो बोरोन एटम, इसलिए क्या करेगा जी, बोरोन एटम अटैच्ड विद फ्लोरीन एटम, या फ्लोरीन एटम के साथ जुड़ेगा एंड फॉर्म 3 कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। किसके साथ? कोवलेंट बॉन्ड। ये फ्लोरीन एटम के साथ 3 बॉन्ड बना लेता है। अब नेक्स्ट क्या बात करनी है आपने, इन BF3 मॉलिक्यूल बोरोन, BF3 में बोरोन के आखिरी शेल में आप 6 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो रहे हैं। पहले हमने लिखा सिर्फ बोरोन एटम की बात किया, अब BF3 में बोरोन की बात करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, और अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स भी हैं। कोवलेंट बॉन्ड इन BF3 मॉलिक्यूल बोरोन एटम हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स, सो 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल एंड इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रॉन की कमी वाली शेयर डेफिशिएंट। अच्छा, आप इसके बाद पता क्या करना है, ये आप चेक करो, ये वाली चीज़ यहाँ से उठा के यहाँ तक कर देनी है। चेंजिंग पता क्या करनी है, जहाँ पे H प्लस आइन आ रहा है ना, वहाँ पे क्या कर दोगे? BF3। इसके बाद यहाँ पे एक H प्लस आइन आ रहा है, BF आइन नहीं कहेंगे, सिर्फ BF3 मॉलिक्यूल कह लो। चलो BF3 मॉलिक्यूल लिख लो, मतलब जहाँ पे H3 आइन आ रहा है ना, वहाँ पे BF3 मॉलिक्यूल आपने लिखना है। बस बाकी सारा कुछ सेम यहाँ पे लिख के इसके नीचे आपने बना देनी है डायग्राम। डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। आप सेम टू सेम इसी तरह हेडिंग्स बनाओगे, फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल करोगे। डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन, डोनर, एक्सेप्टर और 2 एग्जांपल, 4 या 5 नंबर के लिए भी हुआ तो आपको आसानी से आ जाए जी। पहले ये लिखने की बात वो करनी, पहले आपने हाँ पहले ये लिखोगे ये इतनी बात, फिर ये वाला लिखोगे इसके नीचे, और लास्ट में ये डायग्राम बना दो। सही है। तो ये इतनी की चीज़ याद रखिए, कहाँ पर क्या चेंजिंग करनी है ये लाजमी, और ये आपने सुबह को लिख के लेके आना है। सही, और बिल्कुल साफ़ सुथरा करके लिख के लेके आओगे, कुछ चीज़ बीच में स्किप ना करो। सही है, कोशिश करो अभी बैठ के लिख लो। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।